बच्चे रोज नाश्ता करने से परेशान करते हैं, नहीं खाते हैं और आपको उनके पीछे पीछे भाग के खिलाना पड़ता है। अगर आप इस तरह से बना के देंगे ना तो वो आपके पीछे भागेंगे कि मुझे और चाहिए दे दो करके। तो इस तरह से आप बना के दीजिएगा। ये रेसिपी में ना तो मैंने मैदा डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, घर की रखी चीज़ों से बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट है। थोड़ी सी सब्जियाँ और घर में रखी इडली का बैटर या डोसा का बैटर होगा तो ये रेसिपी बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों रेसिपी बनाना शुरू करते हैं हम। दक्षिण के स्वाद में एक बार फिर से स्वागत है। मैंने ऑलरेडी तवा गरम कर लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन डालकर मैंने एक एक करछी के उत्तपम छोटे छोटे से इस तवे पे चार बनाए हैं। तो मैं और उसके ऊपर मैंने आटा डालने से पहले मैंने थोड़ा सा तिल्ली डालकर डाला है उत्तपम के लिए बैटर, जिससे कि हमारा स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपने अभी तक के मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको आ सके। और मुझे कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि मेरा नया चैनल है, आप सबके साथ की जरूरत है। अब हम ये पक रहे तब तक हम थोड़ी सब्जियां काट लेते हैं। तो मैंने टमाटर को इस तरह से काट लिया है, टमाटर कैरेट और कैप्सिकम और कैबेज है। तो वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से काटिएगा, आपके पास जो वेजिटेबल होंगे उस तरह से काट सकते हैं। तो मैंने कहा था ना अभी तक कि मैंने रेसिपी का नाम तो नहीं बताया है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और इसमें जो अभी हमें एक और चीज़ चाहिए तो उसे मैं अभी दिखाऊंगी। तो पहले हमारे जो दो उत्तपम जो हमने पहले डाले थे वो पक गए, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चीज़ डाला है, जो आपके पास वो डालेगा, मैंने मोज़रेला डाला है। और उसके ऊपर हमने जो टमाटर के जो राउंड्स काटे थे ना मैं उसे रख रही हूँ। तो आपको अब तक आइडिया आ गया है कि मैं बना के आ रही हूँ, तो अब और सस्पेंस रखते हैं थोड़ी देर। तो देखिए मैंने इसके ऊपर बाकी जो सब्जियाँ हमने काटी थी ना, कैबेज है और जो हमने कैप्सिकम्स काटे थे, दोनों के ऊपर मैंने थोड़े थोड़े से डाल लिए ताकि वो भी थोड़े हल्के से पक जाए। जो बचे हुए हमारी सब्जियाँ थी उसे मैंने तवे पर ही चारों तरफ बिखेर दिए हैं ताकि वो भी हमारे पैटीज के साथ अच्छे से वो भी थोड़े कुक हो जाएं, हाफ कुक हो जाएं, क्योंकि उसका जो क्रंच रहता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने सभी सब्जियाँ अपनी कैप्सिकम कैरेट सभी को मैंने इस तरह से तवे पर बिखेर दिए हैं ताकि हमारा तवा बहुत बड़ा है ना, इसे अगर आपका छोटा होगा तो आप बाद में कर सकते हैं या फिर आप कच्चा भी खा सकते हैं, ये आपकी मर्जी कि आपको कैसे खाना है। तो थोड़ा सा मैंने जगह बनाया है ताकि अभी इसके ऊपर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आएगा, और वो है बर्गर पैटीज जो रेडीमेड मिल जाते हैं। तो इसको लाकर हमने इसे गर्म किया है, तो अगर नहीं होगा तो आप घर में भी बना सकते हैं, मैं उसका दूसरा वीडियो बना दूंगी। मैंने अभी बनाया नहीं है लेकिन अब आप सोचेंगे मैंने ये आइडिया हमें मुझे आया क्यों, कि मेरा नाती ना बहुत छोटा है तो उसको बर्गर खाने का बहुत शौक है। तो एक दिन उसने बर्गर मांगा और हमारे यहाँ बर्गर तो थे नहीं, सिर्फ बर्गर पैटीज थे। तो इस तरह से मैंने इडली के बैटर से उसको बना के दिया, तो बहुत अच्छा लगा। जब उसको एक बना के दिए ना तो हमें लगा कि हमें भी खाना चाहिए, तो हम लोग भी बनाए, वाकई में बहुत ही मज़ा आया खाने में। तो हमें इस तरह से अगर हमारे पास बर्गर्स ना हो और बर्गर पैटीज हो तो हम इस तरह से बर्गर बना सकते हैं, डोसा का बैटर या इडली का बैटर। तो अगर मेरी मानो तो आप इडली के बैटर से बनाएंगे क्योंकि वो क्रंच भी रहता है उसमें हल्का सा, तो डोसा का बैटर थोड़ा नरम रहता है। ये सबका अपना अपना स्वाद है, अगर आपको डोसा का बैटर अच्छा लगता है तो आप उससे भी बना सकते हैं। और बर्गर पैटीज तो मिल जाते हैं आजकल रेडीमेड। तो देखिए हमारे पैटीज भी गर्म हो गए और हमारा जो बेस है बर्गर का जो बेस है वो भी बन गया है, बर्गर का बेस है वो। हमारा नाती वैसे बोलता है, बर्गर ही कहता है उसको। तो इस तरह से जब बच्चे मांगे ना कोई चीज़ तो हम उन्हें रुलाए बिना भी कुछ बदल के दे सकते हैं। और जब वाकई में आप यकीन नहीं करेंगे, जब उसने इसको खाया ना तो उसके आंखों में ऐसी चमक थी कि चलो जो मन मांगी मुराद उसकी मिल गई हो। और वो रात के समय 9 बजे रो रहा था कि मुझे बर्गर चाहिए, तो उससे मैं तो कहाँ मिलेगा। और हम लोग तो गाँव में रहते हैं, भले आप कहीं भी रहें लेकिन रात के 9 बजे कहाँ से आएगा, ऑर्डर करके मंगाएंगे तो भी नहीं आ पाते ना। तो इस तरह से कोई भी आटा अपने पास रहे तो बच्चों को हम बिना रुलाए दे सकते हैं। तो अब हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे, और थोड़ा सा मैंने ऊपर से भी डाल लिया है ताकि बच्चों को पसंद आए और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे करके। तो देखिए मैंने उसको स्माइल के जैसे थोड़ा सा फेस बनाया था पर मुझे आया नहीं था ठीक से बनाना। दोस्तों देखिए हमारे वेजिटेबल्स और वेजिटेबल और पैटी से बनी हुई हमारे साउथ इंडियन बर्गर तैयार है, खाइए और मज़ा आएगा खाने में। और देखिए अब हम अपने बर्गर को काट के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे बना है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर देखने में। और जैसे ही मैंने इस बर्गर को काटा ना उसने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया, क्योंकि उसको इतना ही मालूम है कि बर्थडे में हम केक काटते हैं, तो उसने बर्गर काटते समय भी उसने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया था। तो चलिए हमारा बर्गर का हैप्पी बर्थडे भी हो गया आज, और देखिए कितना स्वादिष्ट है। देखिए मैं आपको टुकड़ा निकाल के दिखाती हूँ, खाने में इतना यम्मी था ना कि मज़ा आ गया, मेरे को तो बहुत ही पसंद आया। मैं फर्स्ट टाइम खाई थी बर्गर, तो मैंने आज तक खाया ही नहीं था। फिर बाद में मैंने ओरिजिनल वाला जो ब्रेड से बनता है उसे खाया पर मुझे यही पसंद आया।
और आपको मेरी हिंदी सुनकर शायद हंसी भी आती होगी, क्योंकि मैं बीच बीच में रुक रुक के याद करके बताती हूँ। उसका कारण ये है कि हम लोग 25-26 साल से मैं आंध्रा में ही हूँ और यहाँ पर कोई उतना हिंदी बात नहीं करते ना, तो इसलिए मुझे कुछ कुछ वर्ड्स मैं भूल गई हूँ। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, बाय।